YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और हर खबर की अपडेट पाओ। आज 1 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को पश्चिमी चंपारण जिला आम आदमी पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाया गया। भितिहरवा गांधी आश्रम में आयोजित जयंती समारोह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह की भूमिका तथा चंपारण के विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका विचार पर गोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने कहा कि बापू की कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम अजस्त्र ऊर्जा का केंद्र है। चंपारण के प्रभारी AK सिन्हा ने कहा कि गांधी जी के जयंती पर संकल्प लेना चाहिए कि जनता को जागरूक करेंगे। आप नेत्री आभा राय ने कहा कि महिलाओं को भी आगे आना होगा। किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजू वर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों को केंद्र बनाकर आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन आज किसानों की हालत चिंताजनक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा ने किया तथा अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चंपारण सत्याग्रह एवं गांधी जी से प्रेरणा लेकर समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में भितिहरवा गांधी आश्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक जत्था पद यात्रा कर जन सरोकार यात्रा पर निकले, जिसमें जन सुनवाई एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा।